द फूड फैक्ट्री जो ऑर्किड मॉल पर है वहाँ पर हम लोग यहाँ इनवाइट किया गया था। हम लोग यहाँ पर आए और फूड टेस्ट किए, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मलाई चिकन है और उसके अलावा पनीर है और फ्राइड राइस है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, तो बहुत ही अच्छा फूड यहाँ पर है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए और द फूड फैक्ट्री का मज़ा लीजिए। इट्स रियली वंडरफुल एंड टेस्टी एंड डिलीशियस। आई थिंक सो द गुलबर्गा पब्लिक विल एंजॉय। आई थिंक सो दे शुड कम एंड टेस्ट दिस जॉइंट एंड रियली ऑथेंटिक टेस्ट है जो नीड ऑफ द टाइम है। और इट्स ईजी टू कम टू दिस प्लेस एंड हैव द फूड, नॉट लाइक फास्ट फूड की तरह इसे आप आके है ना इमीडिएटली ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस डिलीशियस फूड का। माशाल्लाह मुबारक एहसान और शुएब को, फूड फैक्ट्री जो ब्रांड खोले हैं काफ़ी अच्छा है। हम टेस्ट किए परसों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। आके ट्राई किया, अभी पार्सल है, घर को ले जाके फैमिली के साथ भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खाना आपको यहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह। आएँ अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और ऑन द वे बाय द वे भी आप कार से ड्राइव थ्रू का जो कॉन्सेप्ट है उसे स्लाइटली जो है ना आपको वेरिएशन है, गाड़ी साइड में रखें और खाना लेके जो है ना आप जा सकते हैं। हेलो, द जो फूड फैक्ट्री है उसमें सारे वेराइटीज ऑफ फूड है एंड आई थिंक इट्स वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट व्हिच दे हैव गॉट हियर। So let's try and I hope everything might be a very tasty. So have a best taste here. Thank you. Gulbarga mein the Orchid Mall, King of Mall mein aaj ek naya itihas ban rahe hai. Ek the food factory jo naya aaj opening hua hai. आप तमाम गुलबर्गा नागरिक और हैदराबाद कर्नाटक नागरिक इसको टेस्ट करें। इंडिया और डोमेस्टिक और पूरा इंटरनेशनल की आप उसके लुफ्त उठा सकते हैं। एक बार ऑर्चिड मॉल को आके ये विजिट करके सारे मॉल घूम के ये जो डी फूड फैक्ट्री का जो लुफ्त मजा और मजेदार खाना हर चीज में बना है, इटालियन है, मैक्सिकन है, जो इंडियन है और चाइनीज है, काफ़ी टेस्टी फूड मेरे को देखने में मिला है। ये ऑर्किड मॉल पे आज फूड फैक्ट्री की ओपनिंग है। ये दरअसल मैं एहसन, ये शोएब और माजिद, हम तीनों का इनिशिएटिव है गुलबर्गा के लिए। ये बेसिकली एक टेक अवे ओपन किचन कॉन्सेप्ट है जो कि एक छोटी सी डाइनिंग के साथ रहेगा। यहाँ पर हम सारे ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ भी टाई अप होने वाले हैं बहुत जल्द। अब फिलहाल लोकल जो डिलीवरी पार्टनर हैं K32 उनके साथ हम अवेलेबल हैं। बहुत जल्द जोमैटो और स्विगी के साथ भी आएंगे, हंगरी व्हील्स के साथ भी आएंगे। ये बेसिकली जो किचन है, इसका नाम जो फूड फैक्ट्री है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारे क्यूजींस हैं एक ही रूफ़ के अंडर में, जैसे कि मैक्सिकन हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, इटालियन हो गया, चाइनीज़ हो गया। देखिए वैसे तो ये सारे क्यूजींस गुलबर्गा में कहीं ना कहीं मिलते हैं, मगर हर क्यूजीन एक जगह मिलना पॉसिबल नहीं था। हम लोग इसको एक टेक अवे का कॉन्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो सारे क्यूजींस को एक ही जगह लेके आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑर्किड मॉल आज की डेट में गुलबर्गा की सबसे अच्छी लोकेशन पर बेस्ड और अच्छी मॉल है। और हमने जानबूझ के फूड कोर्ट नहीं चूज़ किया, हम यहाँ बाहर चूज़ किए क्योंकि हमको हमारा प्रेजेंस बताना था। और ये जो खाने हैं जैसे कि अवधी पेशावरी खाने, हाँ, और मुगलई यानी टोटली ऑथेंटिक मुगलई, हम सिर्फ यही बोलेंगे कि जो भी अगर इसे नॉर्मल मुगलई समझ रहा है जैसे कि इससे पहले यहाँ पे मिलता था, तो हम सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे एक बार यहाँ पे आए, हमारा खाना टेस्ट कीजिए। हर किसी का अपना अपना है। दूसरे भी बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जो सर्व कर रही हैं, उनसे हम किस तरीके से डिफरेंट हैं। हाँ, डिफरेंट होना अच्छा या ख़राब होना नहीं होता, डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि पब्लिक हमेशा जो कस्टमर है एक वैरायटी मांगता है, डिफरेंस मांगता है, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, वो डिफरेंस आप आके देखिए। और काफ़ी सारे ऐसे क्यूजींस जो कि यहाँ पे मिलते भी नहीं हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि आपको पेशावरी खाना यहाँ पर अब तक नहीं था, अवधी खाना, अवधी खाना यानी जो कि एक स्लो कुकिंग ऑथेंटिक मुगलाई जिसे दमपुख्त क्यूजीन बोलते हैं, वो हमारे पास है।
पिज़्ज़ाज जो हैं एक ऑथेंटिक थिन क्रस्ट बेस पे स्टार्ट किए हैं, मैक्सिकन खाना है, चाइनीज़ खाना है, और अपने पास मोमोज हैं, छोटे क्विक बाइट्स के लिए स्नैक्स में अपने पास काटी रोल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्टार्ट जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप आएँ हमारे पास ट्राई करें। मैं सबसे पहले ये क्वेरी क्लियर करना चाह रहा हूँ सबकी कि दिस इज़ नॉट अ फ्रेंचाइजी, ये हमारा खुद का ओरिजिन कॉन्सेप्ट हमने एक कोशिश की यहाँ पे इन्वेंट करने की। सेकेंड, देयर इज़ अ सेइंग कि यू आर एज गुड एज योर टीम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक अच्छी टीम मिली है, एक अच्छा लीडर मिला है ऑब्वियसली लीड करने के लिए, एंड डेफिनेटली वी गोना पुश फॉर इट, वी गोना ग्राइंड, वी गोना यू नो ट्राई आवर बेस्ट। And the kind of chefs what we have, they are not just like the normal cooks. They're exactly. just not the normal cooks. ये काफ़ी experienced बंदे हैं जो कि बहुत exactly. बड़े brands के साथ काम करे हैं India के, बहुत ज़्यादा बड़े brands के, like they are highly qualified, experienced, and they also know to take care of the local taste. Local taste, like जैसे कि region to region India में taste change होता है, we here wants to eat more spicy. So they will give you all the authenticity, but at the same time the customization would be something very different, like according to the needs of the customer. And we are open for any kind of a customization, any kind of a modification that will suit your palate. We'll do any wrong thing to make your food right. Any wrong thing to make your food right. Wrong, I mean to say, जो एक pattern होता है खाना बनाने का, अगर हम वही follow करेंगे, अगर वो हमारे customer को समझ नहीं आएगा तो फिर वो पैटर्न हमको नहीं फॉलो करना है। सो दैट वे विल डू, विल गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ कुकिंग एंड विल मेक योर फूड राइट एंड विल गिव इट टू यू।